मन का शांत होना क्यों जरूरी है? जैसे पानी है वैसे ही हमारा मन है, और वो जब शांत होता है तब पवित्र होता है, जब वो मैला होता है तब वो डिस्टर्ब कर देता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। मैं भाविक जय शाह, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच, आज बात करने जा रहा हूँ भगवान श्री गौतम बुद्ध के जीवन की। उनके जीवन की एक घटना है, एक दिन वो अपने शिष्यों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। रास्ते में वो थके, एक जगह बैठे, पास में से एक नदी पास हो रही थी। उन्होंने एक शिष्य को कहा, जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। एक शिष्य कमंडल लेके गया पानी भरने के लिए। उसने वहाँ जाके देखा, कोई कपड़े धो रहा था, कोई नहा रहा था, और पानी पूरा गंदा था। वो वापस आया और भगवान को कहा कि भगवान, पानी बहुत गंदा है, आपके लायक नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है तुम बैठ जाओ। आधे घंटे बाद गौतम बुद्ध ने वापस बुलाया, कहा जाओ वो नदी पे से पानी लेके आओ। वो वहाँ गया, पानी देखा, एकदम स्वच्छ था। उसने पानी लिया और वो गौतम बुद्ध के लिए लेके आ गए। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने आपको इसलिए पहले भेजा था और अभी इसलिए वापस भेजा, मैं आपको एक सीख देना चाहता हूँ जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जीवन में ऐसी सिचुएशंस आती है जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, अपसेट होते हैं, जब हमको बहुत गुस्सा आता है या हमारे मुताबिक नहीं होता या हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, तब हम ऐसा सोचते हैं कि अभी कोई रास्ता नहीं बचा है। उस समय पे अगर हम हमारे मन को शांत करें तो वो जितने भी बुरे विचार हैं, जितने भी तकलीफदायक विचार हैं, वो सब नीचे बैठ जाएंगे और पवित्र मन हमको सही निर्णय लेने में हेल्प करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम सब कोई ना कोई मेडिटेशन करें। मैं रेकमेंड करता हूँ विपासना मेडिटेशन, क्योंकि वो मैंने खुद ने किया है, हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा सेंटर्स में होता है। 10 दिन रहने का, खाने का, इवन वहाँ पे साधना सीखने का, कि जिससे हम मुक्ति का मार्ग पा सके, हम पीस ऑफ माइंड पा सके, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। आज तक हजारों लाखों लोगों ने ये किया है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। नीचे दी गई लिंक www.dhamma.org पे जाइए, देखिए आपके नज़दीक में कौन सा सेंटर है, और हो सके तो अपने मन को जो डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस में, भाग दौड़ी में, अपसेट में रहता है, उसको नॉर्मल बनने में, पवित्र बनने में, निर्बल बनने में हेल्प करिए, और लाइफ के सही डिसीजंस सही दिशा में लेकर आगे बढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।